तुम्हारी राशि क्या है? इट्स कैप्रिकॉर्न. तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना भाई यश चौधरी. तो सबसे पहले दोस्तों दिल से थैंक यू एंड लव यू सो मच. आपने 100K की फैमिली आज पूरी करवा दी. तो अब एम करते हैं हम 150,000 की फैमिली की, वो भी आप लोग कराओगे. तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है न्यू वीडियो के साथ में. इस वीडियो के रिएक्शन कैसे आए आप लोग खुद देख लेना और बाकी मुझे कमेंट करके बता देना. और जैसे आप प्यार बरसा रहे हो ना यार, प्लीज़ ऐसे ही बरसाते रहो. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए काम करने में, और आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बनाए रखना. थैंक यू सो मच दोस्तों. Hi. My name is Yash. Okay, I'm Gazala. Gazala, यार बड़े प्यार से आए क्या, जानते हो आप मुझे? No, I don't know you. यार एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, I'm new in Delhi. ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकला हूँ. सच बताऊँ मैं बहुत देर से ना ऐसे चक्कर लगा रहा हूँ, आप बहुत देर से यहाँ खड़ी हुई हो तो अच्छी सी लग रही थी. तो सोचा बात कैसे की जाए. बड़ी देर से ना कॉन्फिडेंस आया, पैदा किया अपने अंदर, हिम्मत जगाई. तो चलिए यार बात की जाए एक बार. हेलो. हेलो. हाय, माय नेम इज यश. व्हाट? गीता. गीता यार बहुत प्यारा नाम है. वैसे एक बात पूछूं, इतनी अकेले में क्या कर रहे हो यार, यहाँ खड़े हो कॉर्नर में? यार झूठ मत बोलो. पता है आई एम ऑब्जर्विंग यू सिंस लास्ट 40 मिनट. अगर कोई बॉयफ्रेंड होता तो अब तक आ चुका होता. Someone बोले तो लाइक बॉयफ्रेंड, दोस्त, फ्रेंड. मतलब बॉयफ्रेंड आना हो तो 10-15 मिनट में आ जाता, वरना गुस्से में लड़की चली जाती है 40 मिनट में. हाँ, मैं वैसे टाइप की. एक्सक्यूज मी. यस. हाय. हाय. माय नेम इज यश. माय नेम इज काजल. काजल बहुत प्यारा नाम है यार, हाथ बहुत सॉफ्ट है. काम नहीं करते घर पे? बिल्कुल नहीं करते यार. कॉल काट दी? हाँ. कोई इमरजेंसी तो नहीं थी? नहीं. यार मैं 2 मिनट ले लूँ आपसे. अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? मैं बस घूमने आई थी. घूमने आई थी दोस्तों के साथ में? अच्छा. वैसे ऑल गाइस डू द सेम नो. हाँ यही करना पड़ता है ना, क्योंकि लड़की को यही चीज़ें तो अच्छी लगती है. वैसे ये नोज पिन बहुत अच्छी लग रही है, इट्स वेरी यूनिक. और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? कोई दोस्त नहीं अभी मेरे यहाँ पे, तो मुझे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन से रिलेटेड. एडमिशन कहाँ लेना चाहिए? यार आजकल उसमें फेक भी बहुत चल रहा है ना, पता है ना आपको. तो आप लाइक काउंसलर से बात करो, काउंसलर का नंबर निकालो, काउंसलर. तो मैंने सोचा कि ये वाला जो ऑप्शन आपने दिया ना, ये बहुत प्यारा ऑप्शन है, रियली लाइक दिस, और करूंगा भी मैं. बट उससे मैंने सोचा यार ये क्यों ना एक ऐसा दोस्त ही मिल जाए जो थोड़ा अच्छा भी और समझा भी सके. तो नो इशू ना, मैं तो देखो ऑलरेडी दूर खड़ा हुआ हूँ ना, इसलिए सो स्पेस है हमारे बीच में एक छोटा सा. नो इशू यार, मुझे लग भी रही थी कि इसी टाइप की है, मतलब गुस्से वाली लड़की चली जाती. तो दोस्त आने वाली है? हाँ. अच्छा अब यार देखो पूछोगे नहीं, मैं तुम्हें देख क्यों रहा था? अच्छी लग रही थी इसलिए देख रहा था. थैंक यू सो मच. यहीं पे तो बैठा हुआ था मैं, इधर पीछे की साइड ही. अच्छा. बट तुम कंटिन्यूसली यू आर डूइंग जॉब? या. हाँ मैं फोन में लग रही थी ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि जो फिर बैग भी रखा हुआ है साइड में. क्या इसमें इंजीनियर हो? यार मैं अभी मतलब बनने का सपना तो है इंजीनियर, बट मैं बन नहीं पा रहा हूँ. पता नहीं कि कुछ नहीं रखा. अच्छा मतलब कि अपने ऊपर टैग लगा दूँ हाफ इंजीनियर? नहीं है इसमें इंजीनियरिंग में, तो यार बोलना पड़ेगा पापा, पापा कुछ और करना चाहता हूँ मैं, कुछ और अच्छा सजेस्ट कर दो क्या. एक्चुअली ग्रेजुएशन तो मेरी हो चुकी है. ठीक है. तो अब कुछ और अच्छा सजेस्ट कर दो कि लाइफ में क्या करना चाहिए बेस्ट, जो जिसमें इंटरेस्ट है वो. यार देखो मुझे पता है पैसा और फेम दोनों चाहिए, फेम भी और पैसा भी. इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह करके अर्निंग हो जाती? हो जाती है. हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव अभी? आई एम जस्ट, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, सो अभी 1800 समथिंग है. अच्छा. सो लाइक ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर टाइप ना. मैं भी पता है लोगों से चल चल के ना बातें करके पूछता रहता हूँ कि यार लाइफ में क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा है सब लोग ना ज़्यादातर दुखी है, किसी के पास कोई काम भी नहीं है. तो वन ऑफ देम मैं भी उनमें से ही हूँ एक. तो बट सोच रहा था यार खाली बैठी हुई, चलिए यार बात ही कर लो. ठीक है. एक्चुअली थोड़ा सा अच्छी लग रही थी, मतलब कहने वाला वही है ना, कहते ना एक आई लाइक यू. यार स्माइल बहुत अच्छी है आपकी. थैंक यू सो मच. अभी आ रही है या बातों पे आ रही है या ऐसी रहती है हमेशा? आई डोंट नो. अरे वाह थैंक यू यार. बट यार काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. सो कैन बी अ गुड फ्रेंड्स? या.
हाँ ना बन सकते हाँ दोस्ती में कुछ जा ही नहीं रहा यार और क्या और कभी फ्यूचर में लाइन बनना चाहूँ तो अप्रूवल है यार मतलब थोड़ा सा ना चीज़ी हूँ मैं जो दिल्ली वाले लौंडे हैं ना हम तो दिल्ली वाले तुम्हें पता है ऐसे ही होते हैं मतलब कसर नहीं छोड़ते हैं इंप्रेस करने में किसी को जितना सिखाया हुआ होता है ना अंदर पेट के अंदर जितना टैलेंट है ना सारा बखेर देते हैं एक ही बारी में तो ठीक है अप्रूवल है मार लूँगा कभी पहले स्टार्टिंग करते हैं दोस्ती से लेट्स सी क्या होता है बात बताऊँ मुझे पता है आप यहाँ पे कितनी देर से हो आप यहाँ पे यार एक्चुअली मैं तुम्हें देख रहा था बहुत देर से ना अच्छी लग रही थी तुम पीछे उधर ब्लॉक में भी बैठी हुई थी दूसरी साइड पे ना हाँ तो मैं देख रहा था तो मैंने सोचा यार बात कैसे की जाए तुम्हारे इधर उधर ना चक्कर भी लगाया बट यार तुम कॉल पे बिजी थी देखा ही नहीं तुमने मैंने यार लड़की में बड़ा एटीट्यूड है फिर सोचा हिम्मत तो आज करनी पड़ेगी बात करने के लिए आज वाला मौका मिलेगा नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार आ गया आप दिल्ली से ही हो मेरा भी सपना था बट पता यार वो बीयर्ड क्लीन करने के लिए बोलते हैं एविएशन वाले अच्छा बट यार मैं ग्रूमिंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है ना हमारा अच्छा ठीक चलो कोई नहीं ट्राई करूंगा वैसे यार मैं ना दिल्ली में नया हूँ अभी स्टडी खत्म की है मैंने अभी अपनी हरियाणा से तो अभी हरियाणा से अपनी स्टडी खत्म हो चुकी है मेरी तो मैं दिल्ली में आया हूँ कोई जॉब वॉक वगैरह मिल जाए या कुछ स्टडी कर लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो अभी ना दोस्त वगैरह नहीं है यार अपने अच्छा थोड़ा वैसा मत सोच ना बंदा हरियाणा से है तो गुस्से वाला होगा या कुछ ऐसा नहीं है यार मेरी काम गए एकदम दिमाग बड़ा सुकून में है ठीक है तो मैं ये सोच रहा था कि यार कोई दोस्त भी नहीं है क्या किया जाए तो लोगों ने बताया दिल्ली में ना एक जगह है सीपी जहाँ पे लोगों का दिल बहुत अच्छा है मतलब दिल्ली में पूरी दिल्ली का ही सबका दिल अच्छा होता है तो सोचा यार कोई दोस्त चाहिए था मुझको डोंट माइंड है ना इट्स वेरी रैंडम होता है डायरेक्ट बोलना बुरा भी लगेगा अच्छा बुरा दोनों और आपके फैसले की मुझे कदर भी है हाँ बोलो या ना बोलो कैन बी अ गुड फ्रेंड्स पक्का बट यार मेरा जो ड्रीम था उसमें मेरी हेल्प करो कि मतलब एविएशन में जाने का भी मेरा मन था पक्का सो कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम और नंबर क्या दोगे नंबर दोगे इंस्टा दोगे इंस्टाग्राम नंबर तो मैं ले ही लूंगा वहां से बॉयफ्रेंड तो नहीं है नहीं फिर तो आसान होगा मतलब कुर्सी पे से उठा के बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए और दिल्ली में क्या फैमिली पीजी विद फ्रेंड्स के साथ रहती हूं अच्छा नहीं वेयर आर यू फ्रॉम इन दिल्ली वो साउथ एक्स पार्ट 1 ओह नाइस यार सुना है मैंने दिल्ली का सबसे अच्छा एरिया है या अच्छा पता नहीं मेरा आईडी क्यों नहीं आ रहा मतलब ये जिंदी आईडी देना यार जो लाइव चलती हो ऐसे नहीं कि मरी हुई हो ओह नाइस ओम काजल नाम बताया था यस ओश काजल तुम्हारी राशि क्या है यार माइंड मत करना प्लीज यार कन्या राशि ओह शिट अबे यार क्या हुआ यार प्लीज माइंड मत करना कैसे बताऊं गुस्सा तो नहीं करोगे नहीं बोलो यार एक्चुअली मेरे ज्योतिष ने कहा था कि इस राशि वालों से दूर रहना है इस राशि की लड़की जो होगी ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगी आई एम सॉरी यार आई कांट बी योर फ्रेंड मैं बहुत मानता हूँ इन चीजों को बट यू आर रियली नाइस यार यू आर रियली नाइस बट आई कांट बी योर फ्रेंड्स यार It's okay. I'm so sorry. यार मतलब मेरी तो किस्मत ही खराब है It's okay. क्या करूँ यार मैं चलो कोई नहीं अगले जन्म में यकीन रखती हूँ उसमें भी रखता हूँ मैं जब मिलेंगे हम थैंक यू नाइस टू मीट यू बट तकलीफ बहुत हो रही है तुम हाथ से जा रही हो तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि लाइक हम एक दोस्त बन जाते हैं आप मेरी दोस्त बन जाओ तो आप मुझे बता सकते हो ना स्टडी से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं कर सकते हैं आराम से बात है तो कोई नहीं यार एक काम करते हैं कैन आई गेट योर इंस्टा आप वहाँ पे मेरी हेल्प कर देना ना जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त बने ऐसे ही बन सकते हैं आप इसमें टाइप करो गजाला या गजाला इट्स नाइस नेम एंड वेट अ मिनट यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट करो करो टाइप करो हाँ जिंदी आईडी टाइप करना कभी पता लगे कि डैड है एकदम जिंदी मतलब लाइव आईडी जो आपकी वॉकिंग हो ओके मैं दे रही हूं मुझे ऐसा कोई इश्यूज नहीं है अच्छा अच्छा तो मतलब हेल्प वगैरह और क्या अरे वाह कोई फैन हूं यार मैं आपका फैन बन गया हूं मैं आपकी बातों से okay. अच्छा एक काम और है मैं एक चीज पूछ रही थी मुझे मैं उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं आपकी राशि कौन सी है पाइसेस मीन आई गेस मीन नो ओह शिट मीन है मेरे ज्योतिष ने बोला था कि इस वाली राशि की लड़की से दूर रहना यू आर वेरी हार्मफुल फॉर मी बाय
I'm so sorry. Gazala, I'm really sorry. Seriously. I'm really sorry. पहले स्टार्टिंग करते हैं दोस्ती से, लेट्स सी क्या होता है ना. सो आप अपना एक प्यारा सा इंस्टाग्राम दे दो मुझे. ये लो, एक फॉलोअर मैं भी बन जाता हूँ आपका. या आप ही कर दो, ये इंस्टाग्राम वाले ना अपने आप ही आईडी भेजते हैं, ये वाली बनानी है और ये वाली नहीं बनानी. और यू आर फ्रॉम दिल्ली ओनली और समवेयर एल्स? या आई एम फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली, सही है यार, यहीं पे आ जाया करो. कि दिल्ली में कहाँ से हो? मैं साकेत. साकेत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी मेट्रो स्टेशन है. आई एम ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ कैंपस. तो येल्लो वाली लाइन तुम्हारी, येल्लो वाली मेरी, मतलब यार सही है, भगवान ने सही चीज़ से मुझे मिलवाया है. ये टाइप कर दिया? नेट इज नॉट वर्किंग. बट यार एक चीज़ और मुझे पूछनी थी सीरियसली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी लाइफ में. तुम्हारी राशि क्या है? यार पता है मेरे ज्योतिष ने कहा था कि बस इस वाली से दूर रही हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये. एक्चुअली मेष है मेरा, सो आई एम सॉरी. आई कॉन्ट बी योर फ्रेंड, आई एम सो सॉरी. बट दिल बहुत चाहता था मेरा सच में. यू आर सो नाइस यार. अच्छा हाय गीता, यार दिल तो बहुत चाहता था मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँ, बट वो राशि की प्रॉब्लम थी. अच्छा एक छोटी सी बात बताऊँ, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, नहीं देखो स्टिल वी आर फ्रेंड्स और हम आगे भी दोस्त बने रहेंगे. हाँ, बताऊँ क्यों? राशि तो है नहीं. अच्छा सुन तो लो यार, एक्चुअली मैं एक छोटी सी फनी वीडियो शूट कर रहा था. एक्चुअली आई एम अ यूट्यूबर, सो कैमरा इज देयर. एक बार हाय कर दो यार. तो वी आर गुड फ्रेंड्स, बट जेन्युइन है ना ये? हाँ जेन्युइन है. चलो फिर ठीक है, थैंक यू यार, बहुत अच्छा था.